हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन यू चेतना। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ड्रेसअप लाइक सोशल मीडिया एप्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी मैं एप्स यूज़ करती हूँ लाइक यूट्यूब, आजियो की शॉपिंग से रिलेटेड। सो जो जितनी भी ऐप्स मैं यूज़ करती हूँ अपनी एवरीडे लाइफ में लाइक वो शॉपिंग से रिलेटेड हो या मेरे वीडियो से रिलेटेड हो। सो उन सारी वीडियोस के जो मैं आउटफिट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली मेरे पास वैसे ऐप्स के आउटफिट रेडी करने के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं। मेरे पास ऐसा मतलब कपड़े तो हैं बट ऐप्स के कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे पास कपड़े नहीं है। बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट जाए कुछ मैचिंग ऐप के हो जाए कुछ मैचिंग ऐप के जैसे। सो देखते हैं कि बेसिकली आज जो मैं ड्रेसअप करने जा रही हूँ वो ऐप के सिमिलर हो पाता है नहीं हो पाता है। एंड बेसिकली आप मुझे जज तो नहीं बोलूँगी, आप मुझे देखकर बताना कि मेरा ड्रेसअप जो है वो ऐप के आइकॉन के अकॉर्डिंग कितना सिमिलर बना है और आप लोगों को कैसा पसंद आया है जो मैंने ये आइडिया बनाया है। वैसे ये अभी कोई ट्रेंड तो नहीं है कि आप अपना आउटफिट ऐप्स की तरह रेडी करें, बट आई थॉट कि मैं कुछ क्रिएटिव कर लेती हूँ। सो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। कुछ आउटफिट मेरे पास मैच हो गए हैं, थोड़े बहुत सिमिलर, कुछ मैच नहीं हुए, तो मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के ड्रेसअप किया है। सो आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो? कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ आउटफिट शेयर करूँगी वो यूट्यूब का है। सो मुझे यूट्यूब के आउटफिट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। लाइक मेरे पास में वाइट एंड रेड कलर का आउटफिट था तो वही मैं वियर करके आऊँगी। सो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ आउटफिट के साथ में। यस गाइस, मैं आ गई। सो ये रहा मेरा यूट्यूब का आउटफिट। सो बेसिकली इस आउटफिट के लिए मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। वैसे मेरे पास वाइट कलर का कुछ भी नहीं था, लाइक ना तो पैंट थी ना फिर शॉर्ट्स था, कुछ भी नहीं था। सो सिंपली आई वियर माई लेगिंग जो कि मेरे पास में वाइट कलर की थी। ये थोड़ी ट्रांजी लग रही होगी आपको, सो इट्स ओके। अभी मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, घर में हूँ। सो ये मैंने वाइट कलर का लेगिंग वियर करा है और ये मेरे पास रेड कलर का टॉप था, लकीली मेरे पास मिल गया। सो ये रेड कलर का टॉप मैंने वियर करा है। एंड आप देखोगे तो आपको यूट्यूब आइकन के अंदर एक मतलब हॉरिजॉन्टल आपको ट्रायंगल मिलता है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे हेयर बैंड वियर करा है। ये मेरा नहीं है, मेरी बेटी का है। सो ये मैंने वियर करा है। सो ये रहा मेरा यूट्यूब का आउटफिट। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने सिमिलर थोड़ा बहुत आइकन जैसा ड्रेसअप किया है। कैसा लगा आपको मेरा ये ड्रेसअप? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे हमारे पास में अगर वाइट कलर का शॉर्ट या फिर वाइट कलर का शॉर्ट्स या फिर वाइट कलर की पैंट हो तो हम इजीली ये वाला आउटफिट बाहर कैरी कर सकते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। बट मेरे पास में ये लेगिंग है सो मैं बाहर वियर नहीं कर सकती। वैसे लेगिंग वियर कर सकते हैं थोड़ी पैंट टाइप की हो तो, बट मैं ये वेयर नहीं करूँगी बाहर। अगर मेरे पास पैंट होती तो मैं डेफिनेटली ये वेयर कर लूँगी, बट ये वाला कॉम्बिनेशन वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। सो आप ऐसा कुछ आउटफिट ट्राई कर सकते हो। पूरा नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के दिखा देती हूँ। वैसे मेरा माइक का जो वायर है वो 1 मीटर जितना ही डिस्टेंस रखता है, इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। बट हाँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इस टाइप की लेगिंग है ये। ओके तो नेक्स्ट आउटफिट के लिए जो ऐप मैंने चूज़ करी है वो आजियो की है। सो आजियो के रिलेटेड भी मेरे पास आउटफिट अच्छे से मुझे इजीली मिल गया था। सो नेक्स्ट आउटफिट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो आजियो ऐप का है। सो मैं रेडी होके आती हूँ अभी। यस गाइज, आई एम बैक। सो ये मेरा आजियो का आउटफिट है। ये जो स्कर्ट है आपने बहुत बार देखी होगी, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में इसको रीयूज़ करके पहना है। लाइक ये स्कर्ट है जिसको मैंने अभी ड्रेस बना लिया है और अभी इसके ऊपर मैंने वियर करा है अपना वाइट शर्ट। यू नो आप आजियो का आइकन देखोगे तो उसमें ए जो है वो वाइट कलर का बना होता है। सो ये मेरा आउटफिट है, आपको दिख रहा होगा। सो ये मेरा आउटफिट है और आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा मैंने इस स्कर्ट को रीयूज़ करके वियर करा है। सो ये सिंपल सी शर्ट, हमेशा मैं इस स्कर्ट को एज ए ड्रेस वियर करती हूँ, ऊपर शर्ट वियर करती हूँ। सो ये आजियो का आइकन बन गया है और ये बहुत ही क्यूट भी लग रही है ड्रेस। यू नो अगर वैसे मैं ये स्कर्ट पहनती तो भी आउटफिट बन जाता क्योंकि इसमें भी वाइट है, बट मैंने सोचा कुछ स्टाइल कर लेते हैं। सो मैंने इसके ऊपर शर्ट स्टाइल करी है और ये आजियो का आइकन है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और वैसे परफेक्ट मैच हुआ है कलर कॉम्बिनेशन। सो ये मैं अपने आप से 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूँगी। मुझे ये पर्सनली आउटफिट हमेशा अच्छा लगता है, जब भी मैं इसको स्टाइल करती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट आउटफिट जो मैं ट्राई करूँगी वो है अमेज़ॉन का। ये है मेरा अमेज़ॉन का आउटफिट। सो ये है एक कुर्ती। बेसिकली आपने मेरे बहुत जब शायद मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में ही ये कुर्ती मैंने परचेज़ करी थी। सो ये वो कुर्ती है। लाइक मेरे पास में बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर के आउटफिट नहीं है, बट ये कुर्ती मुझे एक मिली जो थोड़ी बहुत ब्राउन कलर जैसी मैच होती है। एंड प्लस बेस्ट थिंग ये है कि जो अमेज़ॉन का वो एरो वाला आइकन होता है ब्लैक, उसके लिए मुझे ये अंदर कुर्ती ये इसी मतलब इसी जैकेट के साथ में ये कुर्ती अटैच है। सो ये ब्लैक कलर का मुझे मिल गया। और जो वाइट कलर जो ब्लू कलर का ऊपर अमेज़ॉन के आइकन में साइन होता है उसके लिए मैंने अपनी ब्लू कलर की पिंस लगा ली है। सो परफेक्टली मैच हो गया होगा आई थिंक उस ऐप के आइकन से। सो ये है मेरा अमेज़ॉन का आउटफिट। आई होप आप लोगों को मेरी पूरी कुर्ती दिख रही होगी। सो ये है अमेज़ॉन का आउटफिट। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वैसे बेसिकली जो ऐप होती है, जो ऐप है मेरे फ़ोन में, उनके बिना मतलब लाइफ नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के, शॉपिंग हॉल्स बनाते हैं, या वीडियो क्रिएटर है, वो अच्छे से जानते होंगे कि अमेज़ॉन, आजियो, फ्लिपकार्ट, ये सब जिसके भी फ़ोन में होते हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं। लाइक मैं अपने फ़ोन में ये सारी ऐप है तो दिन में 2 से 3 बार तो मैं ओपन कर ही लेती हूँ। लाइक अपना यूट्यूब चैनल, अमेज़ॉन, आजियो, फ्लिपकार्ट, सब ये सब ओपन कर ही लेती हूँ। सो हमारा अटैचमेंट जो है इनके साथ में बहुत अच्छा खासा रिश्ता है। सो जिनके साथ में अच्छा खासा रिश्ता होता है उसके साथ में उसके लिए एक वीडियो तो बना ही सकते हैं। सो मैंने सोचा कि इन ऐप्स के अकॉर्डिंग अपना आउटफिट रेडी करते हैं। सो आपको बेसिकली कैसा लग रहा है कि मैं अपने ऐप के साथ में कितना फेमिलियर हूँ या अपने ऐप के साथ में कितना अटैच हूँ, वो आपको दिख रहा होगा। और नहीं भी दिख रहा हो तो देख लीजिए और कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे सारे आउटफिट। सो नेक्स्ट अब मैं स्टाइल करने वाली हूँ मिंत्रा का। सो मिंत्रा का आउटफिट चूज़ करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक मैं समझ ही नहीं पा रही थी कैसे करूँ, क्योंकि उसमें ऑरेंज एंड पिंक 2 कलर है। सो मैंने सोचा कुछ रंगीन सा बना लूँ, बट थोड़ा बहुत सिमिलर सा कुछ मिल गया है। सो मैं अभी वो वियर करके आती हूँ। नेक्स्ट मिंत्रा का आइकन होगा। सो गाइज ये रहा मिंत्रा के लिए आउटफिट। सो मेरे को इस ऐप के आइकन के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कुछ मल्टी कलर का था नहीं, था तो ज़्यादातर दुपट्टे थे। फिर मैंने जाके सोचा कि ये प्लाजो पैंट स्टाइल हो जाएगा। वैसे मैंने जब इसको खरीदा था तब से अभी 1-2 बार ही पहना, और मैंने सोचा था मैं हमेशा इसको ब्लैक कलर के टॉप के साथ ही वेयर करूँगी। बट आज जाके मुझे अच्छा लगा है कि मैं इसके साथ में वाइट शर्ट टॉप कुछ भी स्टाइल कर सकती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि वाइट टॉप के साथ में भी ये प्लाजो पैंट कितना अच्छा लग रहा है। सो ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सो ये है मिंत्रा का आइकन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा। लाइक मैं पहले दुपट्टे निकालने लगे कि उसका कुछ टॉप वगैरह बना लूँ, फिर जाके समझ आया कि चलो ये स्कर्ट भी अच्छी लग जाएगी। अब नेक्स्ट मैं आपको जो आउटफिट दिखाऊंगी वो मुझे खुद को भी नहीं पता है कौन सी ऐप का होगा। वैसे मैंने अपने सारे कपड़े बाहर निकाल के रख रखे हैं, लेकिन मेरे को सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट कौन सी ऐप का बनाना है, मेरे फ़ोन में कौन सी ऐप है जिसका मैं आउटफिट पहन के आ सकती हूँ। आप गेस करना थोड़ा सा कि कौन सी ऐप का सिमिलर है। ओके सो मैं अपना नेक्स्ट आउटफिट वियर करके आती हूँ। टंटना गेस कर पा रहे हो गाइस कौन सा आउटफिट है, कौन सी ऐप के लिए? आई थिंक आपको ये येलो कलर देख के समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ, ये है फ्लिपकार्ट का। सो फ्लिपकार्ट के लिए बेसिकली वैसे वो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का होता है, बट मेरे पास कुछ लाइट ब्लू कलर का कुछ है नहीं, और ये मेरे पास था एक टैंक टॉप जिसको मैंने अपने टॉप के ऊपर वेयर कर लिया है। सो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये फ्लिपकार्ट का आइकॉन है। एंड ये स्कर्ट मैंने ऐसे ही स्टाइल कर लिया। लाइक मैं नीचे सोच रही थी कोई ब्लैक कलर का शॉर्ट्स वेयर कर लूँ, कुछ भी पहन लूँ। सो ये सामने मुझे स्कर्ट दिखी तो मैंने ये स्टाइल कर लिया। बेसिकली जो ऊपर का टॉप है वही मैंने फ्लिपकार्ट के लिए स्टाइल किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ये आउटफिट वैसे बहुत अच्छा लगा। वैसे हम ये बाहर भी पहन के जा सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिश बन जाएगा। लाइक इसमें कुछ बुराई तो नहीं है, मतलब थोड़ा स्टाइलिश लग जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि इस टाइप का टॉप भी हम पहन सकते हैं। वैसे पहन सकते हैं, कुछ गलती नहीं है इसके अंदर। थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन गया है, तो हम बाहर पहन सकते हैं इस आउटफिट को। आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट मैं पहन के आती हूँ, आप गैस करना नहीं कर पाओ तो मैं बता दूँगी। सो गाइस नेक्स्ट आउटफिट मैंने वियर करा है फॉर माई इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम के लिए लाइक पर्पल, थोड़ा सा डार्क पिंक, थोड़ा सा मतलब बहुत सारे कलर थे। ऐसे कलर मेरे पास थे भी नहीं, और मैंने सोचा कि ये वाला जो प्लाजो पैंट है ना वो बेसिकली बहुत ही अच्छे से परफेक्ट हो रहा था मेरे इंस्टाग्राम आइकन के लिए। बट थोड़ा सा पिंक कलर कॉम्बिनेशन देने के लिए मैंने ये शर्ट वियर करी है। यू नो डार्क कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा ड्रेसअप के लिए, बट जैसा कि आपको पता है कि हम ये वीडियो आइकन्स के लिए बना रहे हैं, सो मैंने ये स्टाइल किया। वैसे आपके पास कोई भी लाइट कलर की शर्ट हो तो आप डार्क कलर के प्लाजो पैंट के साथ में स्टाइल कर सकते हो, बट जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो ऐप्स के लिए बना रहे हैं, सो यहाँ पे मैंने पिंक कलर देने के लिए अपनी प्लाजो पैंट के साथ में ये शेड, इंस्टाग्राम के लिए ये शेड चूज़ किया है। सो आपको कैसा लगा? थोड़ा थोड़ा परफेक्ट मैच हुआ है, थोड़ा थोड़ा परफेक्ट मैच नहीं हुआ है। वैसे मैं अपना बहुत अच्छा ट्राई कर रही हूँ कि मैं इंस्टाग्राम के आइकन जैसा बना लूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ आउटफिट नहीं था, और होगा भी तो शायद मैं आइडिया नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि इतने सारे कपड़े होते कि लाइक जब मैं अपने आउटफिट चूज़ कर रही थी तो लाइक इधर भी एक ढेर हो गया था, इधर भी एक ढेर हो गया था, इधर भी एक ढेर हो गया था, मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। सो जो जो मुझे जल्दी जल्दी समझ आया वो मैंने उठा लिया, जो समझ नहीं आया वो आप देख सकते हो इस टाइप के बन गए हैं। सो आपको कैसा लगा कॉमेंट के बताना। वैसे मैंने अपना बहुत अच्छा ट्राई किया है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ये वाला आउटफिट देख के आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ, ये है मेरे व्हाट्सएप का आइकॉन। सो बेसिकली ग्रीन सा होता है, सो ये ग्रीन कलर का टॉप मैंने वियर करा है, और फॉर द राउंड वाइट सर्कल आई वियर माई कैमिसोल ऑन दैट टॉप। और आपको कैसा लग रहा है ये आउटफिट कॉमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत ही फनी सा लग रहा है क्योंकि एक तो बहुत ही फिटिंग का कैमिसोल है, ऊपर से मैंने मतलब टॉप बड़ा स्टाइलिश सा है और मैंने उसके ऊपर कैमिसोल वियर कर लिया, तो थोड़ा सा फनी सा लग रहा है, बट इट्स ओके, हम ऐप के लिए कर रहे हैं, सो हम इसको बाहर कहीं पहन के नहीं जाने वाले हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा स्टाइलिश टॉप नहीं होता तो मैं उसको स्टाइल करने के लिए कैमिसोल वियर कर लेती तो अच्छा लगता, बट ये टॉप ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है तो इसके ऊपर ये कैमिसोल मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये बाहर भी नहीं पहन के जाऊँगी, ट्रस्ट मी। सो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, आइकॉन के हिसाब से ये आउटफिट कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। और ये स्कर्ट तो मैंने ऐसे ही वियर कर ली है, अदरवाइज मेरे को इसके नीचे कुछ व्हाइट कलर का पहनना था, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास व्हाइट कलर का बॉटम वियर में कुछ भी नहीं है, सो दैट्स वाई आई वियर माई स्कर्ट। सो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आई थिंक अब जो नेक्स्ट जो आउटफिट होने जा रहा है वो लास्ट होगा आई थिंक। सो गाइज ये है मेरा फेसबुक का आउटफिट। सो यहाँ पे मैंने वियर करा है वाइट कलर का टी शर्ट और उसके ऊपर प्रिंटेड मेरी ब्लू कलर की टॉप वियर करी है, और बॉटम वियर के लिए मैंने वियर करा अपना ब्लू कलर का प्लाजो पैंट। सो आपको कैसा लगा ये आउटफिट कमेंट करके बताना। एंड मैं ब्लू कलर का वैसे वियर कर चुकी थी पहले, इसलिए मैंने सिंपली इसको वियर कर लिया है। एंड यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अब जितनी भी ऐप्स थी मेरे फ़ोन में, ज़्यादातर जिनको मैं यूज़ करती हूँ और जिनके बिना मेरा एवरीडे बहुत मुश्किल है, लाइक एक दो बार तो मुझे ओपन करना ही पड़ता है अपने डे टू डे लाइफ में। सो ये सारी ऐप्स है जिनको मैं अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करती हूँ, और अपना बेस्ट ट्राई किया है अपने ऐप से रिलेटेड ड्रेसअप करने का। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे आप वेजिटेबल या फ्रूट से रिलेटेड ड्रेसअप का वीडियो देखना चाहते हो तो भी कॉमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेकर आऊँगी। एंड फिलहाल के लिए हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, अगर आप कोई और वीडियो सजेशन के लिए हो तो भी कमेंट करके बताना। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।